आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। एक नजर बिहार अहम खबरों पर। हॉटस्पॉट इलाकों में छुपकर पटना आ गए 126 लोग, बिहार में 1892 लोगों की हो रही तलाश। रोहतास के धर्मपुरा के थानाध्यक्ष का निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर। संदेहास्पद स्थिति में मिला छज्जे से झूलता महिला का शव, घटना नवादा के हिसुआ की है। बिहार के 6 BS अफसरों की प्रतिनियुक्ति सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहारियों को वापस लाने के लिए 19 अफसरों को दी गई जिम्मेदारी, बिहार सरकार ने विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए नोडल अफसर। सीतामढ़ी में 4 नए कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। मोतिहारी में मेडिकल स्टाफ को नहीं मिला मास्क, सिविल सर्जन की गाड़ी के सामने गए लेट। आरा में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ा, आज आएगी लगभग 150 सैंपल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर की होगी बहाली, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। पटना में बैंक ऑफ बड़ौदा का डाकबंगला ब्रांच खुला, सील की गई, फ्रेजर रोड की लेन भी खुली। चमकी से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने निकाली डॉक्टरों की बहाली, 239 पदों पर होगी भर्ती। सासाराम में काले हिरण की गोली मारकर हत्या, पुलिस पर लगा शिकार करने का आरोप। पटना में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, IGMS की नर्स और सफाई कर्मी भी संक्रमित। हजारीबाग में चाकू से मारकर चालक की हत्या, ट्रक से शव बरामद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के लोगों की मदद से जल्द कोरोना फ्री स्टेट बनेगा झारखंड। बंधक युवक को छुड़ाने गए SDPO की गाड़ी पर पथराव, यह घटना झारखंड के दुमका की है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, जामताड़ा में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोके। जमशेदपुर में गैंगवार डॉन अखिलेश सिंह के 5 गुर्गों को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। जमुई में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, हथियार समेत कई सामान बरामद। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any